मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। खंडवा की लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीट पर चुनाव होना है। चुनाव की तारीख का ऐलान होने के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई है। इसके लिए 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी। पृथ्वीपुर, जोबट और रैगांव, ये 3 विधानसभा सीट जिन पर वोटिंग होनी है। चुनाव के लिए 1 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होगा। वहीं 8 अक्टूबर तक नामांकन करने की आखिरी तारीख है, जबकि 13 अक्टूबर तक नाम वापसी हो सकेगी। खंडवा की लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के जो नतीजे हैं वो 2 नवंबर को आने हैं। दोनों ही राजनीतिक पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस पूरी तरीके से कमर कस चुकी है। तारीखों का ऐलान हो चुका है, आचार संहिता लग चुकी है। 3 विधानसभा सीटें हैं और 1 लोकसभा की सीट है। इस उपचुनाव को 2023 के विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, जिसकी वजह से कोई भी राजनीतिक पार्टी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। जहां कांग्रेस ये दिखाने की कोशिश करेगी कि हम जनता के साथ हैं, जनता हमारा साथ देती है और आपने हमारी सरकार जिस तरीके से गिराई वो गलत था, वहीं बीजेपी ये दिखाने की कोशिश करेगी 15 साल जिस तरीके से शिवराज सरकार ने काम किया वही जनता को रास आया है। तो तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। पृथ्वीपुर, जोबट और रैगांव विधानसभा सीट पर मतदान होना है। 8 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल करने की तारीख है। 13 अक्टूबर तक नाम वापसी हो पाएगी। इसके अलावा उपचुनाव के जो नतीजे हैं उनका ऐलान 2 नवंबर को होगा। 3 विधानसभा सीट है और 1 लोकसभा की सीट है। दोनों ही राजनीतिक पार्टियां पूरा दमखम इस उपचुनाव में लगाने की तैयारी में नजर आ रही है। वहीं मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उपचुनाव में जीत का दावा किया है। साथ ही जल्द ही प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करने की भी बात कही है। न्यूज 24 एमपी छत्तीसगढ़ से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सभी जगह उपचुनाव में जीत हासिल करेगी। कोई कांग्रेस का गढ़ नहीं है, हर जगह बीजेपी मजबूत है, हर बूथ पर कार्यकर्ता तैनात है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से खास बातचीत हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद ने की है, सुनिए जरा। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, बेसब्री से इन तारीखों का इंतजार किया जा रहा था कि कब होगी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी, उन्हीं से बात करते हैं। सर, तारीखों का ऐलान हो गया है, किस तरीके से तैयारी है बीजेपी की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बूथ लेवल पर इस तैयारी में व्यापक तौर पर मैदान में उतरा है। हम सब लोगों को आपने देखा होगा कि बूथ बूथ पर जाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐतिहासिक बहुमत से जीतने की तैयारी में हैं। गरीब कल्याण की योजनाएं जो केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, उन गरीब कल्याण की योजनाओं के आधार पर मैदान में उतरे हैं। क्या मुद्दे लेके जाएंगे सर जनता के बीच? मैंने कहा ना, मुद्दे यही है जो गरीबों के जीवन को बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार ने किया है, चाहे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो या माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी गरीबों का जीवन बदलने का काम कर रही है, उन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरी। सर, 2 जो सीटें हैं 4 में से 2 कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है, बहुमत से जीतेंगे, कोई भी सीट नहीं बचेगी। सर, हमने बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं ने तैयारी। सर, एक आखिरी सवाल है कि 15 महीने की सरकार जो बीजेपी सरकार का कामकाज रहा है उसको बताएगा हार और जीत के किस तरीके से कामकाज रहा बीजेपी सरकार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने संगठन की ताकत के बल पर, हमारी सरकार के द्वारा गरीब कल्याण कुछ काम किए उनके बल पर मैदान में है और प्रत्येक बूथ पर हम चुनाव जीते। ये थे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, जिनका दावा है कि वो जो 4 जगहों में तारीखों का ऐलान हुआ है, 3 विधानसभा और 1 लोकसभा में जीत का दावा